राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर विपक्षी दलों से अलग स्टैंड लेते हुए जेपीसी की मांग को गैर जरूरी बताया है। शुक्रवार को एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मांग होने पर उसकी जांच करने के लिए अगर सत्तारूढ़ दल के लोग ही रहेंगे तो सच्चाई कहां तक सामने आएगी, इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इससे तो सुप्रीम कोर्ट जिसपे किसी का भी प्रभाव नहीं है वो जांच करता है तो शायद ज्यादा सच्चाई देश के सामने आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का ऐलान करने के बाद जेपीसी का महत्व नहीं रह जाता और ना ही इसकी कोई आवश्यकता रह जाती है। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने के मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार इंटरव्यू के दौरान अडानी ग्रुप का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीति में आए तब सरकार पर हमले के लिए टाटा बिरला पर हमला करते थे, बाद में पता चला कि टाटा का इस देश में कितना बड़ा योगदान है। आजकल टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी पर हमला हो रहा है। आज पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अंबानी और बिजली के सेक्टर में अडानी का योगदान है। विपक्ष ने एक फर्म की और से दी गई एक रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है। इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को पता नहीं है, हमने इनका नाम भी नहीं सुना है। ऐसा लगता है इस मामले में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप को टारगेट किया गया। वहीं संसद नहीं चलने देने पर उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा होना बेहद जरूरी होता है और विचार विमर्श को नजरअंदाज करने से पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। इसके अलावा कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कर्नाटक में इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन कर्नाटक चुनाव को अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन यानी राष्ट्रीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार हो लेकिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार बनी है, क्योंकि राज्य और देश के मुद्दे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।